मुंडा का और जिस प्रकार से कल स्वामी अग्निवेश जी के ऊपर हमला हुआ, मैं इनके ऊपर हमला नहीं है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और अब आज तक जो हमें जानकारी मिली है, एक भी अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, बल्कि जो पकड़े भी थे उसको भी छोड़ दिया। इससे बड़ी और दुखद क्या घटना हो सकती है भाई, बिना कारण के किसी के ऊपर मारपीट करना। ये तो अगर वहाँ प्रेस के लोग नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज शायद हम लोगों से मिलने का भी मौका नहीं मिलता। जिस ढंग से लोगों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, अकारण, जिसको कोई कारण नहीं, कोई कहीं अखबारों में भी नहीं आया है क्या ये कारण था, तो ये तो गुंडागर्दी है। और मैंने कल भी कहा था कि भाई सरकार अगर सचमुच में कानून की सरकार को स्थापित करना चाहती है राज्य में, तो उन लोगों को तो कल ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन कल से लेकर के आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे स्पष्ट होता है ये सारी घटना सरकार की ओर से प्रायोजित है, और सरकार के विरोध में जो भी आवाज़ है उस आवाज़ को सरकार लाठी गोली से, डंडे से उसको दबाना चाहती है, और उसका हम सारे लोग विरोध करेंगे। और वर्तमान सरकार का ये रवैया बना हुआ है कि ऐसे लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब ये हाल के दिन में आप देखे होंगे कि केंद्रीय माननीय मंत्री जी, जो लोग लंची में आरोपित थे, उसका बेल हुआ, उसको माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। अगर इस तरह की घटना अगर हर जिला में, हर झारखंड के कोने कोने में अगर शुरू हो जाएगा, तो जो लोग इस तरह का घटना अपनाते हैं उसका तो मनोबल बढ़ेगी। झारखंड में कहा जाए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बोल कर कोई चीज़ है नहीं है, जबकि इन्होंने इनके संस्था के द्वारा वहाँ के डिप्टी कलेक्टर, डीसी और एसपी को खबर भी दिया गया था, उन लोग पर उस पर कोई संज्ञान नहीं ली। तो कम से कम वैसा पदाधिकारी जो लोग संज्ञान नहीं लेते हैं और इस तरह की घटना घटती है, वैसे लोगों को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जांच की क्या कौन चीज़ की बात है, जांच के पहले वैसे पदाधिकारी को हटाना चाहिए, एक हो गया। दूसरी बात, क्या जिन लोगों को पकड़ा गया था क्या वो लोग कस्टडी में है, या किन की सारा पर उनको छोड़ा गया, ये भी एक जांच के विषय है। हम चाहते हैं इसका गहन जाँच हो, उसी पदाधिकारी जो लोग भी हैं, जो लोग रक्षा में नहीं, इसको सिक्योरिटी नहीं दिया गया, उन पर भी कार्रवाई हो। और इस तरह का घटना के बारे में हाल में कल सुप्रीम कोर्ट का जो राय आई है उस पर भी संज्ञान लेकर ये सरकार काम करे, तभी कम हो सके। वो झारखंड के लिए सबसे सर्वनाश दिन के तौर पर माना जाए, 5 दशक से ज्यादा समय से स्वामी अग्निवेश जी को मैं जानता हूं, और ये एक जो इनके सामाजिक जीवन का पहलू है वो आज तक कभी नहीं बदला, और वो समाज के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, जो बेजुबान लोग हैं, इनकी जुबान बन करके ये देश के हर कोने में खड़ा होते हैं लोग। और झारखंड में जो ये घटना हुई है, सुनियोजित जो घटनाओं का क्रम चल रहा है झारखंड के लिंचिंग का, ये पार्ट है, मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार है निश्चित तौर पे। जो क्रिमिनल माइंड के भाजपाई जो कार्यकर्ताएं हैं, उनका जो महिमा मंडली कराया जा रहा है, चाहे वो हुड्डा का विधायक ने, संसद ने कहा था कि जो हत्या किया उसका जीवन भर का खर्चा हम उठाएंगे, और यहाँ जयंत सिन्हा ने जो घटना की, हम इस पर सही में न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि स्वामी अग्निवेश कोई झारखंड के नहीं है, पूरे देश के एक चेहरे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह का घटना एक उन्मादी संगठनों के नाम और उन्मादी धार्मिक नाम पे जो होता था, अब तो हिंदू बात के जो प्रतीक हैं उन पे हमला हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इनकी नियत और नीति के खिलाफ। अग्निवेश जी, हम एकाध दिन के अंदर जितने सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उन सब लोगों के साथ बैठ कर झारखंड में इसका विरोध का क्या रूपरेखा होगा, सभी सामाजिक संगठनों को आह्वान करते हैं और देश के संगठनों को आह्वान करते हैं कि देशव्यापी विरोध हो। हमको बिहार से फोन आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है,
क्योंकि सौभाग्य रहा है कि इनके समय इनके साथ लंबे समय तक काम किया है।